हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 5 ऐसे यूजफुल हैक जिसको आप अगर यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में तो आपको बहुत अमेजिंग मेकअप के हैक्स हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देने वाले हैं। तो मैं तो ये बहुत यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी इसे एक बार ट्राई करके देखो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे वीडियो के जो भी यूज़फुल वीडियो आते रहे उनके नोटिफिकेशन आपके पास हो। और प्लीज कमेंट करना तो मत भूलना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये होती है कि कभी भी हम क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई करना चाहते हैं और जल्दी में जब हम उसे अप्लाई करते हैं और लिपस्टिक का जो सेप भी होता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है और क्या होता है कि हमारी लिपस्टिक फैल जाती है और ना वो बाहर लिप्स के निकल जाती है और बहुत ही और जोकिंग टाइप फेस लगने लगता है, लिप्स लगने लगता है। तो हमारे पास इसके लिए एक नंबर वन हैक है कि हम पहले कॉटन पैड से अगर एक्स्ट्रा लिपस्टिक निकल गई है ज़्यादा तो हम उसको पहले हटा लेंगे। और हम क्या करेंगे, देखो फिर भी हमारी लिपस्टिक एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक ईयरबड लेंगे और ईयरबड लेके अपने दोनों लिप्स को हमें टैप करके रखना है और अच्छे से किनारे से हमें एक्स्ट्रा लिपस्टिक को निकालना है, नीचे से निकालना है फ्रेंड्स, ऊपर से नहीं। फिर देखो एक शेप आपको तैयार हो जाएगा। ईयरबड बहुत हेल्प कर देता है कि आपके लिप्स का शेप कैसा भी हो उसको एकदम शेप में ला देता है और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपकी लिपस्टिक निकली भी है ना तो उसे भी एकदम शेप में कर देता है। तो अब देखो ये अच्छे से शेप में आ गया। फिर भी अगर आपको अनइवन लगे तो आप क्या करो, थोड़ा सा फाउंडेशन ले लेना है और फाउंडेशन को लेके क्या करना, उसी ईयरबड से आप क्या करना अपने लिप्स को उसी तरह टैप करके अच्छे से एक अच्छा सा शेप दे सकते हो। अगर आप टैप नहीं भी करोगे तो आप ऐसे अगर शेप दोगे तो और भी अच्छा होता है, लगता है फेस देखने में और फिर आपका लिप्स भी बहुत प्यारा लगने लगता है। लगता ही नहीं कि आपने खुद से अप्लाई किया, लगेगा कि नहीं आपने पार्लर से कहीं से लिपस्टिक अप्लाई करवा के आए हैं आप। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, हैक है, यूज़ करके आप देख सकते हो। जल्दी में हो तो आप ईयरबड एक रख सकते हो और फटाक से अपने लिप्स को बहुत प्यारा प्रिटी लुक दे सकते हो। अब हैक नंबर दो, हम कहीं भी जाते हैं और हमारा नोज़ अनइवन और पकौड़े जैसा लगता है तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास हमेशा कॉन्टोरिंग नहीं अवेलेबल रहता, मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास आई शेडो पैलेट है उसमें से मैंने हल्का सा ब्राउन कलर ले लिया है और एक पतले से ब्रश से मैंने अपने नोज़ को कॉन्टोरिंग मीन्स एक अच्छा सा शेप दे दिया ताकि मेरा नोज़ स्लिम और ट्रिम लगे। अब मैं एक फ्लफी से ब्रश से क्या करूँगी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि मेरा नोज़ बहुत प्रिटी लुक दे और शार्प लगे और फेस पे फ्लैट नोज़ ना लगे। तो फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, देखो एक शेप तैयार हो गया, एकदम हल्का सा शेप आ गया। अब मैं क्या करूँगी, कंसीलर लूँगी और बीच में लगा दूँगी और उसको भी अच्छे से टैप करके मुझे उसे भी अच्छे से लगा देना है। इससे हमारा नोज़ का क्या होता है, फटाक से एक शेप आ जाता है। बहुत लड़कियों को दिक्कत रहती है कि उनकी छोटी नाक है, बड़ी नाक है और वैसे शेप नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ईजी है, क्या बहुत फास्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉन्टोरिंग हो तभी आप करो, क्रीमी हो, क्रीमी बहुत जल्दी फैल जाता है और निकलना नहीं चाहता। मैं तो आई शेडो से ही यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। देखो कितना स्लिम लग रहा है पहले से मेरा नोज़। अब तीसरा हैक मैं बोलने वाली हूँ फ्रेंड्स कि तीसरे हैक में मैं क्या करती हूँ कि हमेशा मैं लाइनर लगाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये दिक्कत रहता है कि वो आँख खोलती हैं और उनकी आँखों के ऊपर क्या होता है, लाइनर स्मच कर जाता है, लग जाता है। तो इसे आप अगर तुरंत लिक्विड जब वो रहता है तभी आप निकालोगे तो पूरा काला हो जाएगा आपकी आंखों के ऊपर और आपको उसे निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए मेरे पास एक इजी सा हैक है। मैं क्या करती हूँ, जब ये ड्राई हो जाता है पूरी तरह से तो मैं क्या करती हूँ, एक ईयरबड लेती हूँ और थोड़ा सा कंसीलर उसमें लगाती हूँ। जब ये आपका लाइनर अच्छे से ऊपर सूख जाए, जब वो पूरी अच्छे तरह से ड्राई हो जाए, आप एक बार टच करके देख लेना, फिर आप क्या करना उस ईयरबड की हेल्प से उसे क्या करना अच्छे से निकाल लेना। तो अब ये देखो कितना एकदम प्यारा, अगर आपने कोई आई मेकअप भी किया है तो आराम से ये निकल भी जाता है और आपको पता, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका आई लाइनर कभी फैला भी था। और इसे निकालने का बहुत अच्छा आइडिया है।
कभी कभी फ्रेंड्स हमें ये भी दिक्कत आता है कि हम दोनों लाइनर्स को अच्छे परफेक्ट लगा लेते हैं, कभी मेरा एक लाइनर विंग मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो मैं क्या करती हूँ ईयरबड लेती हूँ और ये एक ईयरबड कितना है हेल्पफुल है, इसने मेरे देखो दोनों विंग्स को मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया और देखो ना फैलाते हुए मेरे क्या हुआ कि मेरे दोनों आँखों के विंग्स एकदम परफेक्ट और एकदम सही शेप में लग गया। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं और उसी का हम लोग चिक ब्लश भी करते हैं, उसी लिपस्टिक से हम लोग चिक ब्लश भी कर लेते हैं, तो हमें ये नहीं पता रहता कि वो क्रीमी है कि मैट है, जो भी है, फिर हमारा क्या है जोकर की तरह फेस हो जाता है दोनों गाल पे, तो एक पे ज़्यादा लग जाता है एक पे कम लगता है। तो अब हमें एक हैक यूज़ करना है, हम क्या करेंगे थोड़ा सा वैसलीन लेंगे और वैसलीन को लेके उसको अच्छे से मसाज करेंगे, हमेशा ऊपर साइड मसाज करना है, तो ये आपको नेचुरल लुक दे देगा और फिनिशिंग दे देगा, आपके मेकअप को पूरा कंप्लीट कर देता है और आपको लगेगा भी नहीं किसी को कि आपने बहुत क्रीम लिपस्टिक से कभी ब्लश भी किया था। तो देखो ये सब यूज़फुल हैक्स आप यूज़ करके फ्रेंड्स बहुत अच्छा लुक पा सकते हो। अच्छा ये लास्ट हैक है, देखो मेरे कभी कभी मैं थ्रेडिंग बनाती नहीं हूँ और बीच में पार्टी वगैरह में जाना पड़ता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाके थ्रेडिंग बनवाऊँ। मैं क्या करती हूँ, आई शैडो पैलेट से थोड़ा सा क्या करती हूँ ईयरबड लेती हूँ और आई शैडो पैलेट से अपने आईब्रोज से एक शेड लाइट कलर लेती हूँ और अपने आईब्रोज को देखो मैंने किस तरह से फिल किया है, आपको थोड़ा थोड़ा उंगली से भी उसको हटाते रहना है ताकि वो बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ना लगे, और हल्का हल्का करके हमें क्या करना है अपने आईब्रो को एक शेप देना है। तो देखो मैंने तो थ्रेडिंग भी नहीं बनवाया लेकिन मैंने एक शेप दे दिया और ये कितना प्रिटी शेप लग रहा है। मैंने आईब्रो सेटिंग ब्रश भी नहीं यूज़ किया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है, बट ये ईयरबड से मेरा कितना अच्छा शेप एकदम जैसे लगी नहीं रहा है कि मैंने कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है या बहुत जल्दी में हूँ। तो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा देता है। फिर आप एक साफ ईयरबड से क्या करो, एक्स्ट्रा जितने भी पाउडर की क्वांटिटी लग रही हो आपको, आप उसे निकाल के सेट कर लो, देखो कितना प्रिटी लग रहा है। तो ये बहुत इजी लाइफ सेविंग हैक्स है फ्रेंड्स, तो आप इसे यूज़ करो और डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अगर ये सब यूज़ करते हो तो आपका मेकअप भी परफेक्ट लगेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि आपके मेकअप में कभी आपने कुछ ख़राब भी किया था। ठीक है गाइज, बाय, थैंक यू।